हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आ चुके हैं नवयुग मार्केट में, जो कि गाजियाबाद की काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्केट है। यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं 250 अंडों की अंडा करी, जो यहाँ पे डेली बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। बात की जाए एड्रेस की, नवयुग मार्केट के सामने आपको मिलेगा सेठ मुकुंदलाल कॉलेज, इसके जस्ट सामने आपको आना है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस है, इसको खाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे अभी हमें कुछ लोग मिले हैं जो लखनऊ से स्पेशली इसको खाने आए हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा इसको लोग पसंद करते हैं। इसको बनने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, सो चलिए उसकी मेकिंग देखते हैं और टेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं, आइए। सो सबसे पहले इन्होंने प्याज काटनी स्टार्ट कर दी, आप देख सकते हैं। सो अभी टमाटर की प्यूरी बनेगी, सो आप देख सकते हैं एक साथ कितने सारे टमाटर लिए जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए आप प्यूरी को अच्छे से छानेंगे ये। सो कौन सा ऑयल है ये? नेचर प्रेस। सो इसमें सबसे पहले काफी सारा ऑयल डाल दिया उन्होंने। सो ये है इनके अंडे, कितने अंडे हैं ये? ये 250 से 300 अंडे हैं। 250 से 300 अंडे हैं। ये देखिए आप इन्होंने इसमें डाल दिए। सो आप इनका कलर देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। सो ये हमारे सारे अंडे देखिए आप फ्राई हो चुके हैं। कलर देखिए आप इनका, कितना ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है। सो ये सबसे पहले एक पैकेट इन्होंने ऑयल डाल दिया इसमें। सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं जीरा। सो सबसे पहले इसमें इन्होंने जीरा डाल दिया है। कस्तूरी मेथी। जिसकी मात्रा 4 किलो प्याज, 1/2 किलो अदरक है। ये देखिए आप, काफी सारा अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। इसके अंदर डाले हम देगी मिर्च, ये डाल दिए काफी सारी देगी मिर्च। ये है हल्दी पाउडर और ये आ गया काफी सारा हल्दी पाउडर और ये आ गया नमक। ये काफी सारी लाल मिर्च भी डाल दी इन्होंने। ये देखिए आप, काफी सारा धनिया पाउडर डाल दिया है। सभी चीजों को मिक्स कर दो।
20 से 25 मिनट के लिए हम इसको पकाने की छोड़ देंगे धीमी आंच पे। सो अब ये 25 से 30 मिनट के लिए पकेगा धीमी आंच पे। सो ये देखिए हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो ये देखिए बकेट भर के टमाटर की जो प्यूरी है ये डाल दी है इसमें। ये देखिए आप, ये अच्छे से भर चुका है पूरा। ये देखिए 3 डब्बे किचन किंग के डाल दिए इसमें। ये आ गया काफी सारा गरम मसाला। मसाला डालने के बाद में हम 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो अभी और ये 15 से 20 मिनट तक पकेगा। डालते हैं इसमें लास्ट में थोड़ा हरा धनिया। ये डाल दिया काफी सारा हरा धनिया और ये लास्ट में डाल दें काफी सारे अदरक के लच्छे। ये आपकी हो गई रेडी। केवल इसके अंदर अंडे गिरने हैं और सो ये देखिए आप, ये डाल दिए इन्होंने काफी सारे इसमें अंडे। लेकिन थोड़े थोड़े करके सर सोए इन्होंने इसमें अंडे डाल दिए हैं। सो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कैसा बना है। सो फाइनली 2.5 घंटे बाद हमारी अंडा करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं इन्होंने हमें इसमें 2 अंडे दिए हैं और रुमाली रोटी दी है और ये दिए सैलेड। सो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ये हमने एक बाइट ले लिया है और ये एक आ गया अंडा। आप सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा मुझे पता है। चलिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। आप स्पेशली इसकी ग्रेवी देखिए कितनी ज़्यादा थिक है। काफ़ी जगहों पे हम जो अंडा करी की ग्रेवी खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, इतना खाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। सो हम एक और बाइट लेते हैं। अब इतनी दूर से इसको खाने आए हैं। और जो स्पेशली इनकी ग्रेवी है इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रही है। और बात की जाए प्राइस की तो आपको 80 रुपये में फुल प्लेट है और 50 रुपीज़ में हाफ प्लेट है। और जो रुमाली रोटी है वो बटर में 15 की है और नॉर्मल आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा चीप है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस प्राइस में ऐसी अंडा करी आपको बहुत ही कम जगह मिलेगी ऐसे टेस्ट में। आप खुद सोच सकते हैं जहाँ पे डेली 250 अंडों की अंडा करी बनती हुई है कितनी ज़्यादा लोगों को पसंद आती होगी। सो आप भी अगर ऐसी अंडा करी खाने की शौकीन है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।